Kids, how are you all? I am Nisha, teacher from Ashwamik Vidyalaya. We have completed chapter number 4 and I have given this assignment in the homework, right? So, I will give you answer in the PDF and we will continue with the next lecture. Be wise and brave. The wise and brave wife. Wise and brave means what? Ekdam strong, majboot wife. Okay, now let's see a story. Now start. Long ago, there lived a farmer with his brave and wise wife. Their fields were just near the forest. एक बहुत साल से एक farmer उसकी wife के साथ रहता था और उनका जो खेत था वो जंगल के पास में था. One day, as the farmer was plucking his field, यानी कि उसकी खेती को खोद रहा था. और टाइगर स्प्रैंग अप एंड सेड गुड मॉर्निंग. कूद के आ गया और बोला गुड मॉर्निंग. द फार्मर गॉट नर्वस एंड सीइंग द टाइगर. फार्मर एकदम नर्वस हो गया वो टाइगर को देखते. बट ही ऑल्सो रिप्लाइड गुड मॉर्निंग. वो उसने रिप्लाई दे दिया जो होगा वो रिप्लाई तो दे दो. गुड मॉर्निंग टाइगर. द टाइगर टोल्ड द फार्मर your oxen, otherwise I will kill you. Unyok means जो ये oxes को उन्होंने बांध के रखा था oxen, उनको तू छोड़ दे. Otherwise I will kill you, मैं तुझे मार दूंगा. Please have pity on me and spare my oxen. Pity, spare, यानी कि कुछ मेरे पे दया दिखाओ, मेरे ऑक्सेस को छोड़ दो. सेड द फार्मर आई हैव अ फैट काउ एट होम. मेरे पास एक मोटी गाय है. यू विल फाइंड हर टेस्टियर देन देयर दिस वीकलिंग्स. तुम उसे ज़्यादा टेस्टी पाओगे, ये तो कमज़ोर बर्ड है ऑक्स. जस्ट गिव मी हाफ एन आवर. मुझे खाली आधा घंटा दो. एंड आई विल ब्रिंग हर टू यू. द टाइगर एग्रीड. और वो टाइगर राजी हो गया. द फार्मर सेड द सैड फार्मर वेंट होम एंड नरेटेड द होल स्टोरी टू हिज वाइफ. और वो उदास होकर अपने घर गया और उसने उसकी वाइफ को पूरी कहानी सुनाई. आई वॉन्ट लेट यू टेक अवे माई काउ. रिटोर्ड द वाइफ एकदम जोर में बोल दिया उसकी वाइफ ने. मैं तेरे को मेरी काव को ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, समझा, ऐसा बोल दिया. वेयर विल द चिल्ड्रन गो फॉर मिल्क इफ यू लॉस हर. बच्चे दूध पीने के लिए कहाँ जाएंगे उसको तूने मार दिया तो. एंड हाउ शैल कुक फूड विदाउट बटर. काव में से बटर भी निकलता है काव के दूध में से, तो हम वो बटर खाना कैसे बनाएंगे. दैट्स ऑल राइट डियर, बट हाउ कैन वी मेक ब्रेड विदाउट कॉर्न. वो तो सही है, लेकिन जो हम खेती करते हैं और उसमें से हमें जो कॉर्न मिलते हैं, जो मीन्स उसका निकलता है, उसमें से ब्रेड कैसे बनेंगे, रोटी कैसे बनाएंगे हम. हाउ कैन यू हैव कॉर्न विदाउट ऑक्सन टू प्लग द फील्ड. ये जो ऑक्सन है, जो ऑक्स है दो, उसको वो अगर खेड़ेंगे नहीं पूरा फार्म, तो उसमें से कॉर्न कैसे निकलेंगे. बटर एंड मिल्क आर इम्पॉर्टेंट बट वी आर मैनेज विदाउट देम. हम उसके बिना मैनेज कर लेंगे, सेड द फार्मर सैडली. वो एकदम उदास होकर बोला उसके बिना तो चल जाएगा लेकिन रोटी के बिना कैसे चलेगा, ऐसा बोल रहा था वो. इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ देन थिंक अप ऑफ अ प्लान टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सेड द वाइफ एंग्रीली.
अगर तू इतना दिमाग वाला है तो तू कोई प्लान बना इसको ये सिचुएशन में से निकलने के लिए, एकदम गुस्से में वो तो बोल दी, व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ समथिंग इफ यू आर सो वाइज। तो वो बोला कि तू इतनी चालाक है, वाइज मीन्स एकदम चालाक, रिप्लाइड द फार्मर एंग्रीली। वो फार्मर भी एकदम गुस्से में बोल दिया, वेरी वेल रिप्लाइड द वाइफ, सही है ऐसा बोल दिया, नाउ जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, अब तुम मेरा ऑर्डर फॉलो करेगा खाली। आई हैव गॉट अ प्लान, गो बैक टू द टाइगर एंड टेल हिम दैट योर वाइफ इज़ ब्रिंगिंग द काव। वो तू जा और उसको बोल कि मेरी वाइफ काव लेके आ रही है। द फार्मर वॉज अफ्रेड ऑफ द टाइगर एंड ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू द टाइगर एम्प्टी हैंडेड, बट ही वेंट बैक टू द फील्ड एज ही हैड नो वे आउट। फार्मर कंटाल गया था कि ये क्या बोल रही है, ये कोई आइडिया है कि तू जाके बोल कि मेरी वाइफ लेके आ रही है, लेकिन फिर भी वो गया, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, है ना। द वाइफ पुट ऑन हर हस्बैंड बेस्ट क्लोथ्स, उसने उसके हस्बैंड के अच्छे कपड़े पहन लिए, टाइड द टर्बन वेरी हाई सो एज टू मेक हर लुक एज टॉल एज पॉसिबल। उसने जो उसकी पगड़ी है ना वो बहुत ऊंची बांध दी ताकि वो जितनी लंबी हो सके उतनी दिखे। देन शी पिक्ड अप अ लॉन्ग सिकल इन हर राइट हैंड, सिकल यानी के दिस दातेड़ू बोलते हैं ना गुजराती में, वो गॉट ऑन द हॉर्स एंड सेट ऑफ टू द फील्ड, और घोड़े पे बैठ गई और टाइगर के पास, सॉरी फार्म के पास चली गई, वेयर द टाइगर वॉज वेटिंग, जहाँ पे वो टाइगर था ना वो इंतजार कर रहा था। शी रोड वेरी कॉन्फिडेंटली, जोर से चिल्लाई वो एकदम, रोड यानी कि वो एकदम जोर से मस्त कॉन्फिडेंटली वो घोड़े पे बैठ के गई। वैन शी केम टू द नैरो पैसेज दैट टर्न इन टू द फील्ड शी बिगेन येलिंग एंड कॉल्ड आउट कॉरेजियसली, आई थैंक गॉड आई एम वेरी प्लीज्ड, आई कैन स्मेल अ टाइगर हियर, आई एम लकी टू हैव अ टाइगर फॉर अ ब्रेकफास्ट। वाह। और फिर वो एकदम धीरे से गई, कैसे जो नैरो जगह थी वहाँ पे गई और बिगेन टू येलिंग, बोलने लगी थैंक गॉड यहाँ पे मुझे टाइगर की स्मेल आ रही है, आज तो मुझे टाइगर खाने के लिए मिलेगा, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे टाइगर आज खाने के लिए मिलेगा। हियरिंग दिस वर्ड्स एंड सीइंग द स्पीकर राइडिंग बोल्डली टुवर्ड हिम द टाइगर फेल्ट सो स्कैड दैट ही रैन अवे इन टू द फॉरेस्ट एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम। वाह। वो घोड़े पे बैठ के गई और उसको इतना बोल्डली एकदम स्ट्रांगली उसको राइडिंग करते हुए देखा कि वो टाइगर को लगा कि ये तो मुझे कोई हंटर है जो उसे मार डालेगा, तो वो भाग गया उधर से। अ जैकल हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दैट हैपन रैन आफ्टर द टाइगर एंड शाउटेड माई लॉर्ड वाई आर यू रनिंग सो फास्ट। जैकल मीन्स के जैकल उसको देख रहा था और वो भी उसके पीछे भागा, तो क्यों भाग रहा है, मेरा भगवान है ना टाइगर तो सबसे खतरनाक होता है ना। रन रन द डेविल ऑन द हॉर्स बैक विल किल मी एंड ईट मी इन द ब्रेकफास्ट, रिप्लाइड द टाइगर पैंटिंग, एकदम पैनिक होके वो बोल रहा था कि भाग भाग जितनी भाग सके उतना भाग, ये टाइगर खा जाएगा वरना अपने को। माई लॉर्ड द सन सीम्स टू हैव डेजल्ड योर आइज, आपकी आँखों को धोखा हो रहा होगा। द पर्सन ऑन द हॉर्स इज नॉट डेविल बट अ फार्मर वाइफ ड्रेस एज अ मैन, सेड द जैकल। और वो बोला यानी कि चतुर लोमड़ी है शायद, वो बोला कि नहीं वो तो उसकी वाइफ है। आर यू क्वाइट श्योर, आस्क द टाइगर स्टॉपिंग, रुक के टाइगर बोला हाँ तू श्योर है, आई एम 100% श्योर माई लॉर्ड, इफ योर आइज हैड नॉट बीन डेजल्ड बाय द सन यू वुड हैव सीन द पिकटेल हैंगिंग बिहाइंड एंड वुड हैव किल्ड हर बिफोर लॉन्ग, रिप्लाइड द जैकल। आपकी आंखों में जो सूरज का प्रकाश एकदम आ गया था उसकी वजह से आपको पता नहीं चला, उसकी चोटी दिख रही थी है ना, बट यू मे बी मिस्टेकन, इट वॉज द डेविल ऑन द हॉर्स बैक
विच वॉज अप्रोचिंग मी, सेड द टाइगर. तुझसे भूल हुई होगी, वो डेविल ही होगा. सो वी विल कंटिन्यू हियर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे.